तो आज हम काल कराते हैं, ठीक है? ठीक है, टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंस, TENS, टेंस, ठीक है? तो क्या है टेंस, आज काल कराते हैं। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है आपका? समय। तो शुरू करते हैं इसे। काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं, वे सभी काम किसी ना किसी समय के अंदर होते हैं, ठीक है? जो भी हम काम करते हैं वो कोई ना कोई समय चल रहा होता है, ठीक है? जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में होते हैं, मतलब प्रेजेंट, जो कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं, और कुछ आने वाले समय में होंगे, ठीक है? तो ये आपके काल हैं। जैसे कि आपका काल में क्या दे रखा है, काल है क्रिया के जिस रूप से किसी उसके करने या होने का पता चले उसको क्या बोला जाता है, काल बोला जाता है। काल क्या होता है आपका? क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया, क्रिया क्या होती है आपके, क्रिया जैसे वर्ब, ठीक है, प्ले, सिट, ये सभी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, ठीक है? तो क्रिया के जिस रूप से उसका, उसके करने या होने के समय का पता चले उसको क्या बोला जाता है, काल बोला जाता है, ठीक है? काल के तीन प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, और इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इसको क्या बोला जाता है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। भविष्य काल को फ्यूचर टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो वर्तमान काल है उसमें ता ते ती आता है लास्ट में, क्या आता है, ता ते ती, ठीक है, वह खेलता है या फिर रहा है, रहे हैं, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं। भूतकाल में क्या आता है आपका? भूतकाल में था, था, थे, थी, क्या आता है उसमें, था, थे, थी, ये सब इसमें भूतकाल में आते हैं। जैसे या फिर रहा था, कर रहा था, खेल रहा था, था मतलब था आना चाहिए पीछे, ठीक है। या फिर भविष्य काल में गा गे गी आता है, गा गे गी, ठीक है, वह खेलेगा, वह नाचेगा, वह कूदेगा, मतलब पीछे गा का साउंड आना चाहिए। तो ये आपके ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको वर्तमान काल दिखा रखा है, वर्तमान काल क्या दे रखा है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है तो ये काम हो रहा है, ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ तो ये भी काम हो रहा है, वो टीवी देख रहा है, मतलब प्रेजेंट में काम चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सभी क्या है आपके वर्तमान काल के, वर्तमान काल की पहचान है इसमें, ठीक है, रहा है, रहे हैं, ता ते ती, ये। भूतकाल क्या होता है, मीन्स पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताता है उसे भूतकाल कहते हैं, मतलब जो काम पहले हो चुका है जिसमें था, थे, थी, जैसे मैंने काम कर लिया, मतलब हो चुका है वो काम, तो जिसमें इस तरीके से आता है तो वो सभी क्या होता है, भूतकाल होता है। जैसे कल बस खराब हो गई थी, ठीक है, थी आ गया पीछे, ओके, मैंने माँ ने कपड़े धोए, मतलब धोए थे पहले धोए थे, अभी नहीं धोए हैं, मीना पड़ रही थी, तो इसमें थी आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, कल बस खराब हो गई थी तो गई थी, ठीक है, धोए, ये सभी क्या आपके शो करते हैं, पड़ रही थी, तो ये सभी क्या है, ये आपके क्या होते हैं, ये पास्ट टेंस की पहचान है, मीन्स भूतकाल की पहचान है, ठीक है। अब है आपका भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है, जो आने वाला टाइम होता है जिसमें हम गा गे गी का यूज़ करते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है, मैं कनाडा जाऊँगा, ठीक है, तो जाऊँगा, ये गा की साउंड आ रही है इसमें, निशा डॉक्टर बनेगी, तो इसमें गे की साउंड आ रही है, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा, तो इसमें जो गा गे की साउंड आती है इसकी पहचान क्या, गा गे गी, ये अगर पीछे आ जाते हैं समझो ये भविष्य काल है, ठीक है। जैसे जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा, तो ये सभी क्या है आपके आपके भविष्य काल हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विराम चिन्ह, कि विराम का अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका हम अभी करते हैं इसको। तो विराम चिन्ह, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। तो विराम का अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। विराम का क्या अर्थ होता है, रुकना या विश्राम करना, ये श्रय है, ठीक है, श्रय, ओके, श्र, विश्राम, क्लियर। इसके बाद में क्या है, चिन्ह का अर्थ होता है निशान। चिन्ह का क्या अर्थ होता है, निशान, ठीक है, क्लियर। ची
न, ठीक है, ओके। इसके बाद में लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मतलब लिखते समय जब हम कुछ लिखते हैं तो रुकने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा कि सीता स्कूल जाती है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया, हमने इसको रोक दिया। तो किससे रोक दिया हमने, यहाँ पे आपका पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दी, जैसे कि आपको लिखते समय रुकने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपका ये कॉमा लगा दिया है, लगा दिया ये, तो इस तरीके से यहाँ पे रुक गए हैं और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक चिन्ह का निशान लगा दिया। तो इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्लियर हो गया। ये विराम चिन्ह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये विराम चिन्ह कहलाते हैं, क्लियर हो गया। विराम चिन्ह व उनके नाम, ठीक है। तो पूर्ण विराम किसे बोलते हैं, यह है आपका पूर्ण विराम, ये वाला जो आपका ये निशान होता है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जाती है, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। प्रश्नवाचक, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या आ गया, तो क्या क्या है इसमें, प्रश्नवाचक बोलते हैं उसे हम। प्रश्नवाचक पे हमेशा क्वेश्चन मार्क, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अल्प विराम, ठीक है, जिसे हम कॉमा बोलते हैं, ये क्या है आपका अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम हो गया। नंबर चार, विस्मयादि बोधक, जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हो अरे ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, तो ये क्या होता है विस्मयाबोधक, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार, विस्मया, ठीक है, कैसे लिखोगे, विस्मयादि, ठीक है, विस्मयादि बोधक, समझ में आ गया। उसके बाद में योजक, ये आपका योजक है, डैश टाइप का जो होता है इसको योजक बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला माता पिता, हमने क्या लिख दिया, माता पिता, ठीक है, तो ये क्या आपके, ये आपके होते हैं योजक, ठीक है। तो इसमें हमने एक मतलब ये मिलते जुलते शब्दों को लेके चलते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, तो इसमें योजक शब्दों का यूज होता है। जैसे उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ बोलते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उन्होंने जैसे एज इट इज़ बोला था ये नारा, हम उसको एज इट इज़ ही लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें उद्धरण चिन्ह का यूज होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो इसको हम इन्वर्टेड, जो एज इट इज बात को एज इट इज लिख देते हैं, जैसे कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो ये बात सत्य है, इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, जो सत्य बात होती है, ठीक है, तो उनके लिए हम ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं, या फिर इनको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अभी उद्धरण लिख लेते हैं एक बार, उद्धरण, समझ में आ गया। उद्धरण कैसे लिखा जाता है, उद्धरण चिन्ह, जी है पे अनंत और ये चिन्ह, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। करते हैं जैसे पूर्ण विराम, क्या करते हैं हम इसमें पूर्ण विराम, पूर्ण विराम होता क्या है, पूर्ण विराम आपका ये, आपका ये निशान पूर्ण विराम का होता है, जैसे वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। जैसे हम बड़ों का आदर करते हैं, तो पूर्ण विराम लगा दिया हमने, क्लियर हो गया। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक है, मीन्स क्वेश्चन मार्क, तो क्या जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि जैसे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो ये क्या होते हैं आपके प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, क्लियर। आपका जैसे ये दे रखा है अल्पविराम, ठीक है, अल्पविराम, जैसे कोमा जो होता है अल्पविराम, बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठीक है, वहां अल्पविराम का विराम लगाते हैं। जैसे बोलते या पढ़ते समय हम कुछ देर के लिए अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वहां पे हम अल्पविराम लगा देते हैं। जैसे हमने बाजार से कपड़े, सब्जी, चीनी और मिठाई ली, ठीक है, हमने बाजार से कपड़े, फिर जैसे हम दो तीन आइटम भी खरीदते हैं उसके बीच में भी हम अल्पविराम लगाते हैं, जैसे कपड़े, सब्जी, चीनी, ठीक है, और फिर मिठाई ली, तो हम यहाँ पे अगर हमने और लगाया है तो उसके बाद में ये अल्पविराम नहीं आएगा, ठीक है। कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, चीनी और मिठाई के बीच में भी ये लगा देते हैं, जो कि आपका गलत है, ठीक है, अगर और लिखा हुआ है तो नहीं आएगा, क्लियर, आपका अल्पविराम नहीं आएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में योजक, क्या आपका योजक चिन्ह, ये आपका योजक डैश की तरह जो होता है, ये आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच में किया जाता है, जैसे एक जैसे शब्द होते हैं ना, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, छोटा बड़ा, तो इनको जोड़ों के बीच में शब्दों को दोहराने की स्थिति में
सा से सी के साथ किया जाता है। जैसे मेरे पिता माता पिता बहुत मेहनती हैं, तो ये माता पिता हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक जैसे जो रहते हैं उनको इसमें योजक चिन्ह का यूज़ होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बात करते समय में हम कई बार हर्ष मतलब बहुत ही खुश हो जाते हैं, शोक मतलब काफ़ी दुखी हो जाते हैं, आश्चर्य हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने लगते हैं, यार ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। घृणा, कई बार हमें किसी को देख के घृणा होने लगती है, ठीक है, हम किसी के प्रशंसा करने लगते हैं। तो उन सभी में क्या यूज़ होता है, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज़ होते हैं। जैसे वाह, बहुत सुंदर घर है, तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आश्चर्य हो रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे शोक या हर्ष या फिर गणना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वाह। तो ये क्या आपका, वाह बहुत सुंदर घर है, तो हम आश्चर्य हो रहा है हमें क्या, अरे बहुत ही सुंदर घर है। तो क्या है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया। समझ में आ गया आपको, क्लियर। उसके बाद में क्या रह गया आपका, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं बेटा, किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया ना, कोई कोई भी जैसे बात करता है उसको एज इट इज़ बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, तो ये आपका एज इट इज़ हम इसको बोल देते हैं। जैसे कि माँ ने कहा मैं जा रही हूँ, ठीक है, माँ ने कहा मैं जा रही हूँ, तो एज इट इज़ हमने उसको बोल दिया, क्लियर हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इनका उद्धरण चिन्ह इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। किसी ने बोला सूरज पश्चिम से निकलता है, सच है ये, तो हमने एज इट इज़ कही, जैसे उस बंदे ने बोला एज इट इज़ हमने उसको एज इट इज़ बोल दिया, ठीक है, तो वो क्या है आपका, उद्धरण चिन्ह, ज्यों का त्यों हमने उस चीज़ को बोल दिया, क्लियर हो गया। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।